हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करूंगी कलर वर्क का प्राइमर फ्लॉलेस फिनिश का रिव्यू। ये कलर वर्क का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है प्रोडक्ट। ये ऐसे मैं रिसीव की थी। ये कार्डबोर्ड का पैकेट है बाहर, और ये एक शाइनी ब्राउन कलर का है। और मैं इसको नायका से परचेस की हूँ, और इसका जो इसके ऊपर लिखा है ये 30 ml का है, कलर वर्क फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर है। और इसमें है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, पैराबेन फ्री, लाइट वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका जो प्राइस है 499, और सेल्फ लाइन है 2 ईयर्स। बस इसका जो बाहर का जो पैकेट है उसमें ये सब लिखा है, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स नहीं है ऊपर, बस यही है। ये है बाहर का जो पैकेजिंग। सो अब बात करते हैं, ये है प्रोडक्ट। तो इसका जो पैकेजिंग है ये वाइट और ब्राउन, शाइनी ब्राउन कलर का ये कैप है, और ये है प्रोडक्ट। ऐसा दिखता है इसके पीछे, ऐसा सब कुछ लिखा है, पर इंग्रेडिएंट्स किधर भी नहीं है इसका। सो ऐसा ही है। और इसमें सेम लिखा है, जो ये बाहर का जो पैकेट है इसमें जो लिखा था इसमें भी सेम लिखा है, कोई अलग चीज़ इधर नहीं दिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस पैकेट को भी अब फेंक सकते हो, क्योंकि इसमें इसका सेल्फ लाइन और 30 ml सब कुछ इधर भी है, सब कुछ इधर भी है। ठीक है, ये पैकेजिंग। और ये ऐसा है, ये ट्यूब पैकेट है, कंटेनर, इधर से प्रोडक्ट को निकलना है, और बहुत ही यूज़फुल और ट्रैवल फ्रेंडली है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी। तो ये प्रोडक्ट मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये प्रोडक्ट फर्स्टली जो कलर वर्क ने दावा किया है, जो फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर है, ये सच में एक फ्लॉलेस फिनिश देता है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो स्किन होगा वो बहुत ही सिल्की एंड स्मूथ हो जाएगा, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अब इसके ऊपर जब फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ग्लो करता है स्किन को, और बहुत अच्छे से आपका जो पोर्स है वो भी हाइड कर देता है। और फिनिशिंग इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ ही एक फिनिश करता है। तो सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, और बहुत अफोर्डेबल भी है। इतना बड़ा एक ब्रांड है, उस हिसाब से ये बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि कलर वर्क का जो और एक प्राइमर था उसका प्राइस 800 के लगभग इस तरह के कुछ था। तो उस हिसाब से ये प्राइमर बहुत अच्छा एक प्राइमर है, और अफोर्डेबल भी है। तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये कलर वर्क ने जो क्लेम किया है वो सब कुछ इसमें होता है। और अब मैं इस प्राइमर को मेरे एक साइड में इस साइड में अप्लाई करके उसके ऊपर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, और इस साइड ओनली फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, तो आप लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। लो क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट को लेना है, और ये अच्छे से फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप नेचुरल लुक पाने के लिए इसको यूं ही अप्लाई कर सकते हो, मॉइस्चराइजर के ऊपर एक नेचुरल लुक देगा। ओनली ये प्राइमर यूज़ करके आप एक नेचुरल लुक मिल सकता है ऐसे।
ग्लोइंग एट नेचुरल लुक। ठीक है, साइड में प्राइमर यूज की हूँ और इस साइड की कुछ भी नहीं अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। इस साइड प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन लगाई थी और इस साइड मैंने बिना प्राइमर के फाउंडेशन लगाया हुआ। तो देखिए यहाँ पे इस साइड का जो फाउंडेशन है बहुत ही ग्लो कर रहा है और इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ एक फिनिशिंग है। तो मैं जब अप्लाई कर रही थी उस टाइम भी, आप लोग जब करेंगे इस प्राइमर के अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये बहुत एक स्मूथ फिनिश है इसका। और इस साइड बिना प्राइमर के मैं फाउंडेशन अप्लाई की हूँ, तो ये थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा डल दिख रहा है। तो बस ये है मेरा आज का रिव्यू। तो गाइस ये है मेरा आज का रिव्यू। तो मेरा ये रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगे और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना सा, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।